नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन कम्युनिटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है और मैं हूं आकाश सिंह। इस वीडियो पर हम एक बहुत ही चर्चित मुद्दे पर बात करने वाले हैं और वो है आर्थिक पैकेज 20 लाख करोड़। देखिए, जिस प्रकार से कोरोना महामारी ने हमारी अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव डाला है, हमारी अर्थव्यवस्था बहुत ही ज़्यादा बुरी स्थिति पर जा चुकी है। हमारी अर्थव्यवस्था अब नेगेटिव ग्रोथ दर्शाने वाली है। हमारी अर्थव्यवस्था पर उत्पादन रुके हुए हैं, लोगों के रोजगार जा रहे हैं, लोगों की आय कम हो रही है और भुखमरी और बेरोजगारी की समस्या भी उत्पन्न हो चुकी है। और इस बुरी स्थिति से, इस गड्ढे से अगर अर्थव्यवस्था को निकालना है तो कुछ एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर लगाना होगा, कुछ बाहरी यहाँ पर कदम उठाने पड़ेंगे जिससे ये अर्थव्यवस्था पुनः पटरी पर आ सके। और इसी बाहरी फोर्स को ही यहां पर आर्थिक पैकेज कहा जा रहा है। इस वीडियो पर हम इस भाग पर बात करेंगे कि 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का अर्थ क्या है और फिर उसके बाद इस आर्टिकल पर हम जो विशेष महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे उस पर भी हम बात करेंगे, जो इस सब्जेक्ट को समझने के लिए, इस 20 लाख करोड़ के पैकेज को समझने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा सहायता देंगे। तो सबसे पहले तो इस न्यूज़पेपर के आर्टिकल के हम हेडिंग पर नज़र डालते हैं, क्योंकि कई छात्रों ने मुझसे ये भी कहा है कि सर न्यूज़पेपर कैसे रीड किया जाए, एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव, वो भी आपको सीखना है। तो चलिए, ये पढ़ते पढ़ते हम वो भी यहाँ पर सीखते हैं। तो हेडिंग आप देख रहे होंगे कि 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज। तो 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज, मन में सवाल आएगा, अब न्यूज़पेपर पढ़ते समय अगला सवाल आना चाहिए, क्यों देंगे ये पैकेज? तो वो सब हेडिंग पर सामान्य रूप से हमें दिख जाता है। तो ये पैकेज दिया जाएगा अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए। अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए प्रधानमंत्री ने व्यापक आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है। इसे इंग्लिश पर इकोनॉमिक पैकेज भी कहते हैं और कई जगह पर आपको इकोनॉमिक स्टिमुलस के नाम से भी ये दिख जाएगा। अब बात ये आती है कि सर ये इकोनॉमिक स्टिमुलस शब्द का क्या अर्थ होता है, तो उस पर भी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए, स्टिमुलस शब्द को समझने से पहले एक उदाहरण का इस्तेमाल करते हैं। सामान्य रूप से आपने कई बार ये अनुभव किया होगा कि खासकर ये ठंडी के मौसम पर कि आपकी मोटरसाइकिल रुक जाती है, आप उसमें किक मारते रहते हैं लेकिन गाड़ी शुरू नहीं होती। तब आप क्या करते हैं, आप अपने भाई को, अपने किसी मित्र को यहाँ पर सहायता के लिए बुलाते हैं और बोलते हैं चल मेरी गाड़ी को धक्का मार। तो जब वो गाड़ी को धक्का मारता है, तब आप जैसे गाड़ी थोड़ी सी स्पीड पकड़ती है, आप गियर लगाते हैं, एक्सीलेटर देते हैं और गाड़ी फिर उसके बाद आपकी शुरू हो जाती है। इसका मतलब यह है कि इस गाड़ी को चालू करने के लिए, उस मशीन को चालू करने के लिए कुछ यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स लगाया गया। एक और एग्जांपल का हम इस्तेमाल करते हैं कि कई बार आपने देखा होगा कि सिंचाई के लिए पंप का इस्तेमाल किया जाता है। तो कुएं से, नहर से जब पंप पानी खींच रहा होता है, तो कई बार ऐसा होता है कि पंप पानी नहीं खींच पा रहा होता है, तब उस पंप पर बाहर से थोड़ा सा पानी डाला जाता है और उसके बाद वो मशीन शुरू होती है। फिर आपको कुछ नहीं करना होता, फिर उसके बाद वह मशीन ऑटोमेटिकली पानी निकाल कर खेतों तक पहुँचा रही होती। अर्थात ये पानी डालना भी उस मशीन को काम करने लायक बनाना, उसे सक्षम बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये एक बाहरी बल भी है। ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से अभी हमारी अर्थव्यवस्था गड्ढे पर जा चुकी है, उत्पादन नहीं हो रहा है, पूरी की पूरी इकोनॉमिक सेक्टर हमारी बुरी स्थिति पर है, अब ये स्वयं से यहाँ पर चालू होने लायक नहीं रह गई है। लगभग अब अर्थव्यवस्था को कुछ बाहरी फोर्स की ज़रूरत है, कुछ एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत है जिससे ये अर्थव्यवस्था फिर से शुरू हो सके। अब ये अर्थव्यवस्था फिर से शुरू हो सके का तात्पर्य क्या होगा? तो इसका मतलब ये है कि अर्थव्यवस्था फिर से उत्पादन हो, फिर से सप्लाई हो, लोगों के पास पैसे आए, उनकी रोजगार बने, लोग बाज़ार में मांग क्रिएट करें और फिर से उत्पादन यहाँ पर स्थापित हो सके। तो इस पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था को ऑटोमेटिक जोन पर लाने के लिए, ऑटोमेशन पर लाने के लिए कुछ एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर डालना होगा और उसी एक्सटर्नल फोर्स को यहां पर कहा जा रहा है आर्थिक पैकेज या फिर इकोनॉमिक स्टिमुलस। स्टिमुलस अर्थात एनर्जी, स्टिमुलस अर्थात उत्प्रेरक, जो जरूरी है उस मशीन को चलाने के लिए, अर्थव्यवस्था रूपी मशीन को चलाने के लिए। अब इस स्टिमुलस को कई माध्यम से यहाँ पर लाया जा सकता है। कई बार सरकार राजकोषीय नीति के माध्यम से ये स्टिमुलस ला सकती है, तो कई बार सरकार RBI की सहायता से स्टिमुलस ला सकती है। इस वीडियो पर या इस आर्टिकल पर हम जो बात करने वाले हैं वो सरकार की राजकोषीय नीति संबंधी आर्थिक पैकेज पर बात होने वाली है। अब जब भी आप 20 लाख करोड़ शब्द सुनते हैं आर्थिक पैकेज का,
तो कई लोगों के मुंह से मैंने ये सुना और खासकर व्हाट्सएप और फेसबुक यूनिवर्सिटी के लोगों से मैंने ये सुना कि ये 20 लाख करोड़ रुपए सरकार अपने जेब से निकालेगी और सब लोगों के जेब में लाकर डाल देगी या फिर लोगों के खाते में डाल देगी। और कई लोगों ने तो ये भी अनुमान लगा दिया कि हमारे खाते में 15,000 रुपए आएंगे। तो इस प्रकार से आपको ये सारी चीज़ों को नहीं देखना है, नहीं समझना है, क्योंकि आप सिविल सर्वेंट अभ्यर्थी हैं तो हर चीज़ का एक लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग आपके पास होना चाहिए। 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का तात्पर्य क्या है? तो इस पैकेज का अर्थ ये है कि अर्थव्यवस्था पर 20 लाख करोड़ की कुछ व्यवस्था की जाएगी। 20 लाख करोड़ की व्यवस्था कैसे होगी? तो ये व्यवस्था हो सकता है कि कुछ किसी प्रकार की छूट सरकार दे, या ये व्यवस्था हो सकती है सरकार उधार की व्यवस्था करे, खासकर MSMEs के लिए, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए। ऐसा भी हो सकता है कि सरकार कुछ बैंकों को ये निर्देशित करे कि जो हमारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर ये पैसे जाने चाहिए, ऐसे क्षेत्र जहां पर रोज़गार की निर्भरता ज़्यादा है उन क्षेत्रों पर ये उधार जाना चाहिए। उन सारे चीज़ों को यहां पर आर्थिक पैकेज में जोड़ा जा रहा है। कई बार आप ये भी देखेंगे सरकार कर में छूट दे देती है, तो सरकार ये कहती है क्योंकि हमने ये कर पर छूट दिया है और अगर छूट नहीं देते तो ये राशि हमारे पास आती, तो इसे भी आर्थिक पैकेज पर जोड़ लेना चाहिए। तो इस प्रकार से आर्थिक पैकेज को आप देखेंगे, ऐसे नहीं देखेंगे कि सरकार अपने जेब से लोगों को पैसा बांट रही है, लोगों के जेब में पैसे डाल रही है। इसे आप ये समझेंगे कि 20 लाख करोड़ का कुछ इस प्रकार से प्रबंधन करना, कुछ इस प्रकार से व्यवस्था करना जो यहाँ पर इस्तेमाल होगा इकोनॉमी को फिर से पटरी पर लाने के लिए। कभी नियम पे परिवर्तन किए जाएंगे तो कभी इस प्रकार के यहाँ पर कदम उठाए जाएंगे। तो चलिए इतना हम समझ लिए आर्थिक पैकेज का अर्थ क्या होता है। अब इस आर्टिकल पर हम पुनः पहुँचते हैं। ध्यान रखिएगा कि पूरी की पूरी इस आर्थिक पैकेज की कहानी का हम विश्लेषण करेंगे। हम इस 20 लाख करोड़ की दिशा पर बात करेंगे कि 20 लाख करोड़ रुपए किन क्षेत्रों पर गए, उन क्षेत्रों पर किस प्रकार से ये सहायता ला रहा है, उन क्षेत्रों पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ रहा है, उन प्रभावों से किस प्रकार का रिजल्ट दिख रहा है और उन प्रभावों से कितना लाभ अपेक्षित है। इन सारे चीज़ों पर हम बात करेंगे, लेकिन ये सारी बातें सिर्फ इसी वीडियो पर नहीं हो जाएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। इसे कई पार्ट पर मैंने विभाजित करने का निर्णय लिया है। तो इस वीडियो पर सिर्फ हम उस ऐलान वाले आर्टिकल पर बात करेंगे जिस ऐलान पर आपने सबसे पहली बार आर्थिक पैकेज 20 लाख करोड़ पढ़ा था। उसके बाद हम देखेंगे कि इस 20 लाख करोड़ को 5 चरणों पर लाया गया। उन सारे ही 5 पैकेजेस को अलग अलग सेपरेटली अलग अलग वीडियो पर हम समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले इस ऐलान पर ही हम नजर डालते हैं। तो आप इस पूरे सीरीज पर 20 लाख करोड़ इकोनॉमिक पैकेज सीरीज पर बने रहिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। ये हमारे लिए मोटिवेशन का काम करती है। तो अगर आप हमें मोटिवेटेड करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको ऐसे और भी कई सारे इनिशिएटिव देखने को मिलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं उस आर्टिकल पर और इस आर्टिकल के शब्दों के साथ साथ में अर्थ भी समझते चलते हैं। तो सबसे पहले इस आर्टिकल की अगर आप शुरू की 2-3 लाइन पढ़ें तो आप ये देखेंगे कि सबसे बड़े आर्थिक पैकेज का ऐलान कर डाला गया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। सबसे बड़ा आर्थिक पैकेज आप इसे कह रहे होंगे। अब कौन कौन से यहाँ पर घटक जुड़े हुए हैं तो आपको इस आर्टिकल पर देखने को मिलेगा कि देश को कोरोना वायरस के संकट से उबारने के लिए वित्त मंत्रालय के पिछले पैकेज और भारतीय रिजर्व बैंक के कदमों को जोड़ दे तो कुल 20 लाख करोड़ रुपए का होगा। ध्यान रखिएगा कि ये पूरी की पूरी 20 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था इस ऐलान के बाद नहीं की जा रही है। इसके पहले भी जो कदम उठाए गए थे कोरोना महामारी से अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए वित्त मंत्रालय के द्वारा, RBI के द्वारा, उन सारी राशियों को भी यहाँ पर जोड़ा गया है। और इन राशियों का डिटेल तो आगे हम वीडियोस पर देखेंगे ही, लेकिन अभी के लिए एक इंट्रोडक्टरी फॉर्म में आपको मैं बता दूं कि इस ऐलान के बाद में 11 लाख करोड़ के आसपास की राशि का व्यवस्था किया गया था और ठीक इसके पहले 9 लाख करोड़ की राशि का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाना शुरू हो गया है। उस पर बात की जा चुकी है और वो राशि किसके किसके द्वारा यहाँ पर लाई गई थी तो भारतीय रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय के द्वारा। इन सारे मनी अमाउंट का हम यहाँ पर एनालिसिस देखेंगे। अब ये 20 लाख करोड़ के बारे में कहा गया कि ये 10% के बराबर होगा किसके, हमारे देश की GDP के।
हमारी देश की जीडीपी का मौद्रिक मूल्य, उसका आकार अगर आप जानें तो लगभग 200 लाख करोड़ के आसपास है। तो इस 200 लाख करोड़ का 10%, 20 लाख करोड़, तो 10% ऑफ जीडीपी आप कह सकते हैं। और ये बहुत ही बड़ी राशि दिखती है अगर आप जीडीपी के आधार पर देखेंगे तो। तो जब ये ऐलान किया गया तो कई लोगों ने ये कह डाला कि 10% ऑफ जीडीपी यहाँ पर सरकार लाकर आने वाली है, अर्थव्यवस्था पर लोगों को बांटने वाली है, और ये बहुत ही बड़ी राशि है अगर आप इसे समझें तो। लेकिन आगे हम देखेंगे कि कितनी राशि सरकार के जेब से निकली और कितनी सरकार ने यहाँ पर अन्य बैंक या फिर अन्य संस्थाओं के माध्यम से बाज़ार में लाने का प्रयास किया। अब इस पर अगर आप इसकी डिटेलिंग देखें तो कुछ आर्टिकल पर आपको यहाँ पर लॉकडाउन से संबंधित कुछ बात यहाँ पर देखने को मिलेगी, बट उससे हम आगे बढ़ते हैं। और जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो हमें ये देखने को मिलेगा कि किन किन क्षेत्रों पर यह पैकेज गया है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यह पैकेज हर एक व्यक्ति के लिए होगा जिसमें कुटीर उद्योग, सूक्ष्म लघु एवं मझोले उद्योग, इसे आप माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस कहेंगे, किसानों और मध्य वर्ग पर खास ध्यान दिया जाएगा। इसके आगे भी हम समझते हैं, इसी से जुड़ी हुई बात है। उन्होंने कहा कि कुटीर एवं लघु उद्योगों करोड़ों लोगों को आजीविका देते हैं। तो बात ये आती है कि जब ये 20 लाख करोड़ रुपए की राशि जब यहाँ पर प्रबंधित की जाएगी तो कुटीर उद्योगों और लघु और मध्यम उद्योगों क्यों ध्यान रखा जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि करोड़ों लोगों को ये लाइवलीहुड प्रदान करता है, आजीविका देता है। अगर आप हमारे देश में कार्यशील जनसंख्या की निर्भरता पर नज़र डालें तो आप ये पाएंगे कि बहुत बड़ी जनसंख्या इस उद्योगों पर जुड़ी है, इन पर आश्रित है, इन पर निर्भर है। तो अगर इन उद्योगों को आप प्रोत्साहित करेंगे, इन उद्योगों को अगर आप सहायता देंगे, ये उद्योग पुनः उत्पादन करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ी जनसंख्या पर आप एक प्रभाव छोड़ने वाले हैं, उनको लाभ मिलने वाला है। और जब बहुत बड़ी जनसंख्या को लाभ मिलेगा तो बेशक अर्थव्यवस्था यहाँ ऑटोमेटिक चलने लगेगी। तो मीडियम एंटरप्राइजेस को क्यों? क्योंकि करोड़ों लोगों को आजीविका देता है। साथ ही साथ जब आप यहाँ पर देखेंगे तो ईमानदारी से कर देने वाला वर्ग आर्थिक प्रगति में योगदान करता है। अब करोड़ों लोगों को जब रोज़गार मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि उसमें से बहुत बड़ी जनसंख्या जो होगी वो कर देने वाली जनसंख्या बनेगी, टैक्स बेस पर आएंगे, तो वो फिर अर्थव्यवस्था या फिर सरकार को फिर ये टैक्स के रूप में राशि देंगे और वो अर्थव्यवस्था के लिए ही सरकार इस्तेमाल करेगी। इसलिए यहाँ पर कहा गया कि आर्थिक प्रगति में योगदान प्रदान करता है। किसान और मजदूर हर मौसम में समाज के लिए काम करते हैं, उद्योग रोजगार देते हैं। किसानों को क्यों यहाँ पर लाभ दिया जाएगा? क्योंकि हमेशा वो समाज के लिए काम करते हैं। और साथ ही साथ इसे अगर आप दूसरे पक्ष को भी समझें तो लगभग 45-50% जनसंख्या जो है वो कृषि से जुड़ी हुई है, तो जाहिर सी बात है कि उनको आप नहीं छोड़ सकते इस 20 लाख करोड़ के लाभ से। उन सभी का ध्यान इस पैकेज में रखा जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि मछुआरों, चरवाहों जैसे तबकों को भी आर्थिक पैकेज में कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि विशेष पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की अहम कड़ी के तौर पर काम करेगा। आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट, सेल्फ डिपेंडेंट भारत, इसका क्या अर्थ है? आत्मनिर्भरता का अर्थ क्या है? आत्मनिर्भर का अर्थ यह है कि हम स्वयं आत्मनिर्भर हो जाएं हर प्रकार से, चाहे वो आपका इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू हो, चाहे रोजगार पॉइंट ऑफ व्यू हो, चाहे आपकी आय हो, चाहे आपका जीवन का स्तर हो, चाहे आपका समाज हो, वो सब आप आत्मनिर्भर हो। अर्थात हम किसी अन्य देश पर या फिर वैश्विक मंच पर, बड़े बड़े देशों पर आश्रित ना रहें। और ऐसा कब संभव होगा? ऐसा संभव तब होगा जब आपके देश में उत्पादन होगा, जिन उत्पादों का उनकी गुणवत्ता बहुत अच्छी होगी। जब उनकी गुणवत्ता बहुत अच्छी होगी तो जाहिर सी बात है कि आप अच्छी गुणवत्ता वाले वस्तुओं की खोज के लिए ना तो चाइना की तरफ जाएंगे और ना तो आप अमेरिका की तरफ जाएंगे, और आप अपने वस्तुओं का ही उपभोग प्रारंभ करेंगे। जब आप अपने वस्तुओं का उपभोग प्रारंभ करेंगे तो आपके घरेलू उत्पादनकर्ताओं को लाभ मिलेगा, उनको सहायता मिलेगा, और ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके और अच्छी यहाँ पर क्या करेंगे, क्वालिटी वाइज गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे और लोगों को रोजगार देंगे, और इस प्रकार से आपकी अर्थव्यवस्था स्वयं ही अपने आप पर ही निर्भर हो जाएगी। और इस आत्मनिर्भरता को मजबूत करने के लिए हमें उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना होगा जिन क्षेत्रों पर रोजगार की संभावना ज़्यादा है, उनकी निर्भरता ज़्यादा है।
और ऐसे उद्योग कौन से होंगे, तो जैसा कि आपने अभी समझ लिया कि वो कुटीर उद्योग होंगे, सूक्ष्म उद्योग होंगे, मझोले उद्योग होंगे। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान की अहम कड़ी के तौर पर काम करेगा, क्योंकि जब आप इन सारे पैकेजेस को देखेंगे, इनके एनालिसिस को देखेंगे, तो अब ये आप ये पाएंगे कि हमारे देश के हर एक क्षेत्र को मजबूत करने का प्रयास किया गया है इस 20 लाख करोड़ पैकेज की सहायता से। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस आर्टिकल पर आगे बढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि स्थानीय अर्थव्यवस्था की अहमियत पर जोर देते हुए कहा है कि जब बड़ी बड़ी व्यवस्थाएँ ध्वस्त हो गई तो लोकल यानी स्थानीय ने ही भारत की ज़रूरतें पूरी की हैं। बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं कहने का अर्थ यह है कि बड़ी बड़ी इकोनॉमी इंटरनेशनल लेवल पर भी आप समझ सकते हैं, और हमारे देश पर भी बड़े बड़े लार्ज सेक्टर्स की बात भी आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर यह बात की गई कि लोकल अर्थात स्थानीय लोकल सेक्टर पर, कुटीर उद्योग क्या होते हैं, जैसे कि आप समझ लें नट बोल्ट बनाना, आप मध्यम उद्योगों पर ऐसे उत्पादों को बनाना जो किसी बड़े उद्योगों के लिए रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल की जाती है, तो ऐसे उद्योग ही फिर क्या करते हैं, हमारी देश को संभालते हैं, हमारे देश में रोजगार को संभालते हैं। और इसीलिए लोकल को ही जीवन मंत्र बना लेना चाहिए और स्थानीय उत्पादों को वैश्विक स्तर का बना देना चाहिए। लोकल को ही जीवन मंत्र बना लेना चाहिए, ध्यान रखिएगा, स्थानीय उत्पादों को, अर्थात प्रयास किया जाए कि अपने देश की ज़्यादा से ज़्यादा वस्तु को खरीदें, अपने देश की ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं को खरीद कर घरेलू उत्पादनकर्ताओं को मदद दें। अगर आप अपने देश को मजबूत करना चाहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर स्थापित करना चाहते हैं, तो आप दूसरे देशों की जब वस्तु खरीदेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपके देश के कारण दूसरे देश मजबूत हो रहे हैं, उनके उत्पाद बिक रहे हैं, उनकी GDP बढ़ रही है, उनके लोग अमीर हो रहे हैं, और इस इकोनॉमिक रिचनेस के कारण उनके डिफेंस पर, उनके अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वर्चस्व, ये सारी चीज़ यहाँ पर विकसित होते हैं और हम अल्टीमेटली उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है, हमें अपने स्थानीय अपने लोकल चीज़ों को सपोर्ट करना है, उन्हें जीवन मंत्र बना लेना है, अपने दैनिक दिनचर्या पर, अपने जीवन के जो भी बेसिक नीड हो, चाहे बड़े नीड हो, उन सारे चीज़ों पर हमें किन वस्तुओं को लेकर आना है, वो ऐसे वस्तु जो हमारे देश की सीमा के भीतर बने हो, हमारे देश के लोगों के द्वारा बनाए गए हों। इसके लिए उन्होंने लोकल के लिए वोकल का नारा देते हुए कहा है कि स्थानीय ब्रांडों और उत्पादों को दुनिया भर में मशहूर करना और अपनी अर्थव्यवस्था का आधार बनाना हमारा संकल्प होना चाहिए। तो ये संकल्प होना चाहिए अपने देश की अर्थव्यवस्था को क्वालिटी वाइज पूरे विश्व में अच्छा बनाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इस आर्टिकल पर इस आत्मनिर्भरता के 5 स्तंभ बताए गए हैं, वो 5 पिलर्स बताए गए हैं जिस पिलर्स पर हमारा देश आत्मनिर्भर हो सकता है, और वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आपको ये देखने को मिलेगा, छलांग लगाती अर्थव्यवस्था। इस छलांग लगाती अर्थव्यवस्था को इंग्लिश में कई जगह पर क्वांटम जंप की परिभाषा भी दी गई है, अर्थात क्वांटम जंप, अर्थात 100 रुपये की मान लीजिए अगर GDP हो रही है, तो हमें फिर 110 रुपये की GDP पर नहीं जाना है, हमें 10% ग्रोथ नहीं करना है, हमें सीधा क्या करना है कि इस प्रकार से व्यवस्था करनी है कि 100 रुपये से सीधा हमारी अर्थव्यवस्था 500 रुपये 400 रुपये पर चले जाए, अर्थात इंक्रीमेंटल इंक्रीज की बात नहीं की जा रही है, हमारी अर्थव्यवस्था पर क्वांटम जंप की बात यहाँ पर की जा रही है। साथ ही साथ आधुनिक भारत की पहचान बनता बुनियादी ढांचा, बुनियादी ढांचा अर्थात इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इंफ्रास्ट्रक्चर अर्थात परिवहन के जितने भी यहाँ पर मोड होते हैं, चाहे वो आपके रोड ट्रांसपोर्ट हो, चाहे रेलवे ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वाटरवे ट्रांसपोर्ट हो, इसे इस तरीके से मजबूत करना जिससे हमारे देश में ये ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही इजीली हो, वस्तुएं एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही आसानी से, बहुत ही तेज़ गति से पहुंच जाए, जिससे हमारी इकोनॉमी फास्ट तरीके से ज़्यादा जल्दी यहाँ पर डेवलप्ड बन जाए और मजबूत बन जाए। तो ये बुनियादी ढांचा यहाँ पर एक पिलर है। फिर नए जमाने की तकनीकी केंद्रित व्यवस्था, डिजिटलाइजेशन आप यहाँ पर कह सकते हैं, तकनीकी केंद्र या फिर टेक्नोलॉजी। बुनियादी ढांचा का अगर आप एग्जांपल देखें तो आप कह सकते हैं कि जिस प्रकार से हम मेट्रोस को प्रमोट कर रहे हैं, वो आपके बुनियादी ढांचा को अंतर्राष्ट्रीय लेवल का मानक यहां पर लाकर दे रही है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार हमने यहां पर डिजिटलाइजेशन टेक्नोलॉजी को यहां पर इस्तेमाल किया है, वो दूसरा पिलर इस आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए देखा जा सकता है। फिर उसके बाद आप देश की ताकत बन रही आबादी,
अब देश की ताकत बन रही आबादी, तो आप ये समझिए कि हमारी अर्थव्यवस्था पर या हमारी जनसंख्या जनांकी लाभांश की स्थिति का अनुभव कर रही है, डेमोग्राफिक डिविडेंड। इसका क्या अर्थ है कि हमारे देश में युवाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है। युवाओं की संख्या अर्थात ये उन लोगों की संख्या होती है जो देश में उत्पादन पर अपनी प्रत्यक्ष भागीदारी देते हैं। ये वो लोग होते हैं जो देश की जीडीपी को बढ़ाने पर अपना रोल प्ले करते हैं। तो जब किसी भी अर्थव्यवस्था पर युवाओं की संख्या बहुत ज़्यादा होगी, अर्थात उन लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा होगी जो देश को काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा सकते हैं, वो उस देश का लाभ हो सकता है। और इसे एक पिलर माना जा रहा है हमारे भारत देश के परिप्रेक्ष्य में। मांग एवं आपूर्ति चक्र देश के लिए आत्मनिर्भर के 5 स्तंभ हैं, डिमांड और सप्लाई का जो चेन है। तो डिमांड एंड सप्लाई का चेन आप समझ सकते हैं कि जब किसी भी चीज़ की डिमांड होगी तो उसका सप्लाई चेन यहाँ पर बन जाएगा। तो ये हमारा 5 पिलर है आत्मनिर्भरता के। तो इस चीज़ को, इस पॉइंट को आप इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपसे पूछा जाए कि आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा। तो आप ये 5 बिंदु बना दीजिए, इसका इस्तेमाल आप मेंस के एग्ज़ाम पर भी कर सकते हैं, इकोनॉमी के पेपर पर, निबंध के पेपर पर भी कर सकते हैं, साथ ही साथ आप सामान्य ज्ञान के लिए भी इसे समझ सकते हैं कि हम आत्मनिर्भर किन 5 पिलर के आधार पर बनने वाले हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस आर्टिकल के अंतिम पक्ष पर। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस संकट से पहले भारत में N95 मास्क बहुत कम बनते थे, लेकिन संकल्प के बल पर ही आज रोजाना 2,00,000 मास्क और 2,00,000 PPE किट बन रही है। अगर यह आत्मनिर्भरता और जोर पकड़ती है तो भारत दुनिया का अगुआ बन सकता है। तो ये इस पूरे आर्टिकल का सार हो गया। इस आर्टिकल में हमने क्या समझा? इस आर्टिकल में हमने ये समझा कि 20,00,000 करोड़ का पैकेज आएगा। उस पैकेज को क्यों लाया जाएगा? अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए, अर्थव्यवस्था को पुनः चलाने के लिए, उसे चालू करने के लिए। फिर उसके बाद इस 20,00,000 करोड़ के बारे में ये हमने समझा कि इसमें वो सारी राशियां भी जुड़ी हुई हैं जो वित्त मंत्रालय और RBI ने जारी कर दिया था कोरोना महामारी से अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए। फिर उसके बाद हमने ये समझा कि इस 20,00,000 करोड़ का इस्तेमाल किन क्षेत्रों पर किया जाएगा। तो हमने देखा किसानों के लिए, मध्य वर्गों के लिए, मजदूरों के लिए और सूक्ष्म कुटीर उद्योगों के लिए भी किया जाएगा। फिर उसके बाद हमने समझा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान का अर्थ क्या है। हमने ये समझा कि लोकल के लिए वोकल का अर्थ क्या है। हमने ये समझा कि आत्मनिर्भरता के 5 आधार स्तंभ क्या हैं। और उसके बाद फिर हमने ये एग्जाम्पल देखा। अब इस आर्टिकल के बाद अगला जो वीडियो आएगा वो आधारित होगा इस 20,00,000 करोड़ के पहले पार्ट पर, कि ये 20,00,000 करोड़ का पहला पार्ट लगभग 6,00,000 करोड़ की राशि किन क्षेत्रों पर किस तरीके से प्रभावित की गई। आप लोगों के लिए होमवर्क ये है कि आप कमेंट सेक्शन पर बताएंगे कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस किन उद्योग को बोला जाता है, अर्थात उनका क्राइटेरिया क्या है। साथ ही साथ आप ये बताएंगे कि हमारी देश की जीडीपी के आधार पर क्या रैंक है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो ये 2 चीज़ आप बताएंगे, उसके बाद की चीज़ें आगे बढ़ेगी अगले वीडियो पर। अब अगला वीडियो जो आएगा वो फिस्कल स्टिमुलस Part 1 के नाम से आएगा। तो ये पूरी की पूरी 20,00,000 पैकेज के एनालिसिस का सबसे पहला भाग है। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। धन्यवाद। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।